आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद दस्तगीर, आप देख रहे हैं टीएसए न्यूज। फिर एक बार गांधी हॉस्पिटल की लापरवाही से 20 दिन बाद मिली नरेंद्र सिंह की डेड बॉडी। नरेंद्र सिंह के घर वालों ने हेल्थ मिनिस्टर और गांधी हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट को नरेंद्र सिंह की मौत का जिम्मेदार ठहराया। आइए देखते हैं इसी की एक रिपोर्ट। 30 तारीख के दिन नरेंद्र सिंह को गांधी हॉस्पिटल लेकर गए थे हम, और रास्ते में किंग कोठी के पास उनको रोक लिया गया, और रोकने के बाद वहाँ पर उनका 2 घंटे तक ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट के बाद अम्मा से बोला गया कि आप घर चले जाइए, हम गांधी लेकर जाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं था, सिर्फ मामूली सा सर्दी जुकाम था। और उसके बाद अम्मा घर वापस आ गए और नरेंद्र सिंह जो कि हमारे देवर हैं उनको गांधी अस्पताल लेकर गया गया। 30 तारीख के दिन गांधी अस्पताल उन्हें एम्बुलेंस में बिठा कर ले गया, और वहाँ पर 30 तारीख के बाद हमने शाम को बात की तो तब नरेंद्र सिंह ने कहा कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर्स नहीं देख रहे हैं, मुझे दम चढ़ रही है। फिर उसके बाद सुबह भी हमने कॉल करा तो कॉल करने पर यही बताया गया नरेंद्र सिंह द्वारा कि मुझे सांस चढ़ रही है, दम फूल रही है और मुझे डॉक्टर्स नहीं देख रहे। फिर 7:45 बजे भी हम कॉल करे और उसके बाद भी उन्होंने यही बताया कि मुझे यहाँ पर कोई नहीं देख रहा है। और 8:30 बजे के बाद नरेंद्र का कॉल ही नहीं लगा, और उसके बाद से हम सब लोग परेशान हो गए। और 2 दिन के बाद फिर जब हमने गांधी अस्पताल में कांटेक्ट किया तो उन्होंने बताया कि वो कोरोना पेशेंट नहीं है, नॉर्मल पेशेंट है, वो ठीक हो गए हैं, हम उन्हें दूसरे अस्पताल भिजा दिए हैं। तब उसके बाद हमने हमारा रिसर्च शुरू किया और हम अस्पताल अस्पताल भटकते रहे। हम उस्मानिया हॉस्पिटल भटके, हम हैदराबाद के हर अस्पताल में भटकते रहे, फिर भी हमें हमारे नरेंद्र सिंह नहीं मिले। गांधी के कई चक्कर लगाने पर भी हमें नरेंद्र सिंह नहीं मिले। और आज जो कि 21 दिन बाद आज गांधी वाले हमसे ये कह रहे हैं कि नरेंद्र सिंह हमारे पास है, और वो हमारा अच्छा खासा इंसान लेकर आज उनकी हमें डेड बॉडी वापस कर रहे हैं। तो मेरी सरकार से ये गुजारिश है कि सरकार क्या कर रही है, वो यहाँ पर जो मरीज गांधी अस्पताल में भिजाए जा रहे हैं उनकी देखरेख कौन कर रहा है, उनकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है? क्या डॉक्टर्स पूरे के पूरे गैर जिम्मेदाराना हो गए हैं? क्या सरकार सो रही है? मीडिया के द्वारा और हमारे शिवानंद पुलिस अफसर ने हमारी बहुत मदद की, उनके द्वारा ही हमें डेड बॉडी मिली है, और आज हमारा अच्छा खासा इंसान लेकर जाकर वो डेड बॉडी में हमें वापस कर रहे हैं। तो आज हम सरकार से ये कह रहे हैं कि इसकी जिम्मेदार कौन है? सरकार जिम्मेदार है या गांधी अस्पताल जिम्मेदार है? कौन है इसका जिम्मेदार? हमें इसका जवाब दे। धन्यवाद। हमें उससे मुलाकात एक बार भी नहीं हुई, बल्कि 4 बार वहाँ पर जाने के बावजूद भी मुकेश सिंह जो कि नरेंद्र सिंह के बड़े भाई हैं, 4 बार जाने पर भी उन्हें अस्पताल में घुमाया गया, यहाँ तक कि पोस्टमार्टम के जगह भी उन्हें ले गया गया, लेकिन उन्हें वहाँ पर नहीं बताया। जिम्मेदारी किसकी है? क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि इतना बड़ा जब वायरस चल रहा है कि लोगों को देखने के लिए सरकार क्या गैर जिम्मेदाराना बन रही है? अब कल 20 दिन के बाद हमें पता चल रहा है। हाँ, शिवानंद साहब हमारी काफ़ी मदद करे, हर बार वो हमारे साथ गांधी अस्पताल चले और हर जगह का उन्होंने मायना किया और बताया कि यहाँ पर चलेंगे वहाँ पर चलेंगे, लेकिन गांधी अस्पताल क्यों? गांधी अस्पताल के डॉक्टर्स पूरे जिम्मेदार है, उन्होंने वहाँ पर अगर सही टाइम पे उनका ट्रीटमेंट होता तो वो आज हमारे पास अच्छे वापस आते थे। हम हुकूमत को यही मैसेज देना चाह रहे हैं कि हुकूमत आज गैर जिम्मेदार हो गई है, वो अपनी आम जनता को नहीं देख रही है, और हमने वोट डालकर उन्हें इसलिए नहीं बुलाया कि वो हमारी इस तरह से हमारी जानों से खेले। आज बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है, जो 29 तारीख के दिन दुलपेट चौराहे एजेंसी से एक नरेंद्र सिंह बोल के नौजवान साथी कोरोना के इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट कराए गए थे गांधी अस्पताल में, कल शाम में 6:30 बजे सूचना आई, इंटीमेशन आया कि वो इस दुनिया में नहीं है बोलकर। मैं इस सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, जो ये गांधी में जो लापरवाही है इसका जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र सिंह का मौत हो गया उसके लिए हेल्थ मिनिस्टर, तेलंगाना गवर्नमेंट और गांधी के सुपरिटेंडेंट जिम्मेदार है। इसलिए जिम्मेदार है, जब उनका ओपी पेशेंट बना
उसमें उनका नाम नरेंद्र सिंह उर्फ डब्बू, उनका एस 36 लिखकर उनको एडमिशन दिया गया। जब अंदर ओपी से जब अंदर पेशेंट को लेके जाते तो वहाँ पे एक चार्जशीट बनता, वो चार्जशीट में उनकी एज की जगह नाम डाल दिए, एज जो 36 था वहाँ पे उनका एज 66 लिखकर जो पेशेंट जो लंबर रहता उसको 36 करके उसका इलाज करे। आज अगर ये मंगलहार पुलिस इंस्पेक्टर जी रंगवीर रेड्डी एसआई शिवानंदम का बहुत मेहनत है, आज हमको ये मंगलहार पुलिस का मेहनत देख के मालूम हुआ कि 30% पुलिस के अंदर ऐसे ईमानदार लोग, ऐसे हेल्पिंग नेचर लोग जो केस में जो आवाम की मदद करते, ऐसे ऑफिसरों को देख के थोड़ा भरोसा हमको हैदराबाद पुलिस के ऊपर है। क्योंकि तकरीबन ऐसे केसेस में हम देखते एज ए सोशल वर्कर एज ए लीडर कि तकरीबन पुलिस बहुत कम रिस्पांस देती, लेकिन हम मंगलहार पुलिस का बहुत बहुत शुक्रगुजार धन्यवाद है उनका, जो इन्होंने ऐसे समय पे भी 1 से 10 बार गांधी को जाके उस शव को उस डेड बॉडी को ढूंढा। और मीडिया चैनल जो सोशल मीडिया है जो हमारे अमित भाई है मस्कती जो और एक मीडिया सोशल मीडिया के जो है अमित भाई का ये न्यूज़ को दिल्ली तक गए, जितने भी सोशल मीडिया के जो भी हमारे भाई 524 को शेयर हुआ ये वीडियो, उससे नेशनल मीडिया आज तक पे NDTV तक गया, उन सभी मीडिया कर्मियों का सोशल मीडिया वा जो चलाते हैं उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ। और इस मौत को जिम्मेदार तेलंगाना सरकार है, तेलंगाना सरकार मुर्दाबाद, तेलंगाना सरकार मुर्दाबाद, KCR डाउन साहब 29 के दिन इनको हॉस्पिटल ले गए, फर्स्ट किंगकोटी से गांधी अस्पताल लेके गए। हमको कल शाम में 4:30 बजे मंगलहाट के सब इंस्पेक्टर शिवानंदम जी हमको फ़ोन करे, साहब इनका डेड बॉडी हमको मिला है, एक डेड बॉडी है, आप लोग आइडेंटिफाई करो। जब उनके भाई को मुकेश सिंह को लेके जाकर डेड बॉडी बताए तो वहीं पर रोना स्टार्ट कर दिए, महाराज यही हमारा भाई है, आज हमको छोड़ के चले गया। इसके ऊपर तो सीधा नेशनल मीडिया तक चलेगा, गांधी हॉस्पिटल की लापरवाही है, डॉक्टरों की लापरवाही है, सरकार की लापरवाही है। अगर डॉक्टर बोले तो जो अंदर जो सिस्टम जो चलाते ओपी पेशेंट वगैरह उनकी लापरवाही है। जब एक पेशेंट आता आज टेक्निकल डिजिटल ज़माना है, उसका एक फ़ोटो उसका शीट को लगा सकते, उसका फ़ोटो उसका एक ओपी स्लिप के लगा सकते ऊपर है, फ़ोन का कांटेक्ट रहता, कुछ भी नहीं। अंदर जाने के बाद जेल में तो भी गवर्नमेंट जो है तो फ़ोन पे बात करने का 8 दिन में 1-2 दिन में कुछ देता, लेकिन गांधी को जाने के बाद तो उसको फ़ोन करने का भी नहीं है, उन्हें वीडियो कॉलिंग नहीं कर सकता, उन्हें फ़ोन पे बात नहीं कर सकता, ऐसा चल रहा है ये गवर्नमेंट। अब देखिए साहब, अब डिमांड क्या है, एक माँ का लाल चले गया, एक जिम्मेदार जो अपनी माँ को बर्फ़ बेचकर किराने दुकान लगाकर अपनी माँ को पालता था, आज उस माँ के दिल से पूछिए बात आप। मैं तो एक सोशल एक्टिविटीज़ के नाते उसकी खिदमत करने के लिए, उसकी मदद करने के लिए आया हूँ, आप लोगों का साथ रहा, आप लोगों का सबका धन्यवाद। एक माँ का लाल चले गया और मैं ये सरकार से चाहता हूँ, अंधी सरकार से, कि इसके ऊपर एक्शन ले, जो डॉक्टर जो पेशेंट को ऐसा बहुत उसमें लापरवाही की तरफ से कर रहे और उसे डॉक्टरों के ऊपर गांधी अस्पताल की जो सुपरिटेंडेंट है उन्होंने एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि आज उस बस पुलिस की जुद्द जूसे जो है तो डेड बॉडी मिल गई साहब, नहीं तो 20 दिन के बाद डेड बॉडी मिलना बोले तो बहुत मुश्किल है।